ये देखिए ब्लैक वाले। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कुबेरेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा जी के धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि गुरुजी तो नहीं है, नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान के हम दर्शन कर लेते हैं तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। पहले भी ऐसे था, अभी भी वैसे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। वही ना, ये बहुत अच्छा हुआ। पहुंच गए हम कुबेरेश्वर धाम। गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं। आज सर वो चंदन लगवाने लगे। कितना मिला ये दे दे रही थी ना दीदी। अच्छा लग गया, अच्छा दीदी चंदन लगवा लिया। अच्छा लग रहा है लेकिन, है ना, प्यारा लग रहा है। दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद भी मिल रहा है। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद यहाँ से थोड़े ज़्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़ता, थोड़ी दूर, और दोनों साइड दुकानें लगी हैं, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था। पार्किंग का तो काफ़ी एरिया है और यहाँ से एंट्री होती है तो मेन गेट से निकल के, और पूरा अभी बना नहीं है, बन ही रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, अभी भी चल रहा था तो वही मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की, और भी जो सामान लेना है। तो यहाँ से एंट्री होती है, हम अंदर जाएंगे। यहाँ बन रहा ना, शायद गुरुजी है यहाँ भगवान। ये देखिए यहाँ पर जिसकी मनोकामना पूरी करवाने के लिए, मतलब यहाँ पर स्वास्तिक बना के गए। ये देखिए शंकर जी की, अगर यहाँ पूजन करना है तो यहाँ जल भी चढ़ा सकते हैं, बेलपत्री फूल सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर साइड में बैठ के भगवान की सब पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूजन पाठ सब कर सकते हैं। ये देखिए सब जल भी चढ़ा रहे हैं, बहुत भीड़ है इधर। ये देखिए ये देखिए शंकर जी की पूजन के लिए यहाँ कर सकते हैं। आ जाओ चले, हंसाओ। ये देखिए आ जाओ, चलो पापा को ना, चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो, आ जाओ ये तो। यहाँ पर जो दूर से आए हैं वो नीचे बैठे हुए भी हैं साइड में, और भगवान ऊपर गद्दी पे, ये गद्दी बनी है तो वहाँ पर शायद भगवान थे, तो वहाँ फूल बेल पत्री और प्रसाद जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा रहे हैं, और वो दोनों खड़े हैं तो वहाँ पर ये हम लोगों को प्रसाद रिटर्न में भी दे रहे हैं बेल पत्री फूल। तो यहाँ मैं पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए
पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। 2-3 महीने पहले आए थे, शायद 4-1 महीने ही हो गए होंगे। सुबह लगी प्यास तो पानी पीने के लिए आया, तो पहले यहाँ इसको पानी पिला देते हैं। यहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी है, तो ये पानी पी लेगा। ये जो पीछे देख सकते हैं ये रूम बने हुए हैं, तो यहाँ तो ये अनाज, यहाँ अन्नकूट है, तो यहाँ भगवान मतलब सारा खाना का सामान रखाता है। और पीछे जो दिए गए हैं वो रूम बने हैं, ये देखिए पीछे, तो रूम में रहने की भी व्यवस्था। और अब हम चलते हैं गौशाला देखने के लिए। और अंश को, गाय को, पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ प्रसाद वितरण भी चल रहा था, लेकिन अभी शायद बंद है। और ये जब कथा होती है तो उस टाइम होता है, तो कथा तो हम अभी तक के सुनने के लिए नहीं आए। मतलब जब भी आए थे तो पहले रुद्राक्ष वितरण हो रहा था, और अब आए तो अब नहीं हो रहा है। और यहाँ सामने यहाँ से घास बेच रहे थे, तो सिर्फ 20 रुपये की थी, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था। 20 रुपये को न बना के रखा था एक बंच, तो वो 20 रुपये में दे रहे थे, तो हम लोगों ने भी लिया था। ये लो उठा लो। अंश ऐसे कैसे ले जा रहे हो? इसको बड़ा शौक है गाय को। ये खिला लेंगे सारा, इकट्ठा थोड़ी देते। पापा से खुलवाओ उसको, आओ पापा खोल देंगे एक एक। हाँ ठीक है, बराबर खिला देना, पहले निकाल के खिला उसको। पेट भरा है, खा नहीं रही, वो देखो इस साइड वाली गाय को खिला दो। अरे अब वो कर रही है मुंह, तो उसको खिलाओ ना, इधर खिला दो। आ जाओ अंश, चले आओ। क्या एक वो डाल दिए पापा ने, सारे डाल दिए उधर, गाय को खिला दिए। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, देखो छोटी गाय, छोटी छोटी। अब भाई फरवरी में मिलेंगे रुद्राक्ष। अच्छा हाँ, उस टाइम भी मिल रहे थे जब हम आए थे, सबको ही मिल गए हैं। फरवरी में फिर शुरू करेंगे। अच्छा, मनोकामना के लिए रखे हुए पत्थर, ये देखिए। कई लोगों से मैंने बात की थी तो वो बोल रहे थे कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई है। यहाँ पर उन्होंने धागे बांधे, यहाँ पर पूजन की और फिर रिटर्न वापस आते हैं। मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो फिर वहाँ शायद धागा खोलना रहता है क्या, तो वो वही बता रहे थे। और वह जब मैंने पत्थर आपको दिखाए थे, वो पत्थर की 7 पत्थर रख के उनकी भी पूजन किए, तो वो भी बोल रहे थे कि हमारी जब हम पहली बार आए थे तो मनोकामना मांग कर गए थे, और फिर जब हमारी पूरी तो हम वापस भी रिटर्न आए हैं। मैंने एक से नहीं 2-3 लोगों से बात की थी तो सभी ने मुझे ऐसे ही बताया था। और मैं भी वापस से दोबारा दर्शन करने के लिए आ गई हूँ, यहाँ सब पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पत्थर को प्रतिमा बना के सभी इन्होंने पूजन की, यहाँ कर भी रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए पीछे भी कर रहे हैं, देखो।
मैं भी गई थी, हम लोग भी गए थे यहाँ। सब ये घर बनाने के लिए रखे क्या? घर शिवलिंग बने हुए हैं। अच्छा, ये सात पत्थर के शिवलिंग। अच्छा, गुरुजी ने बोला है ना क्या पत्थर रखे ऊपर के बगल में? हाँ, पूजा वो वहाँ से बंद कर दिया है ना? हाँ, बंद कर दिया। अरे जी, तू आगे वो अभी नहीं आई। दर्शन हो गए हैं, वापस चलते हैं। दुकानें लगी हैं अंशु को, पता नहीं क्या चाहिए तो वही दिलाने के लिए जा रहे हैं। मीठा है अंश, शंकर जी की इतनी ज्यादा प्रतिमा नहीं रखते बेटा। इनमें से कुछ ऐसा चीज ले लो जो काम पड़े बेटा। अच्छा, काम काम का मतलब ऐसा कि शिवलिंग वही ले लो। तो भरेश्वर धाम में दर्शन हो गए हैं और अंश को जो खरीदना था वो ले लिया उसने, की रिंग ले लिया, और भी जो कुछ लेना था वो ले लिया है। और आज यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।